सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, वीडियो देखते रहिए और अपना कार्य पूरा करते रहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी अपना वीडियोस देख रहे होंगे और कार्य पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, वीडियो देखते रहिए, कार्य पूरा करते रहिए और जो भी परेशानी आपको है आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सभी का हिंदी कक्षा एक में स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 है होली। हम कर रहे थे पाठ 15 है ह पे ओ की मात्रा हो और ल पर बड़ी की मात्रा ली, होली। अब बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, हम इसका कर रहे थे अभ्यास। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न उत्तर किया था, कठिन शब्द किए थे। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, प्रश्न उत्तर को एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न था, पहला जो प्रश्न था वह था कौन सा दिन था। बच्चों, आप सभी जानते हो जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें जितने भी जंगल के पशु पक्षी हैं सभी होली का त्यौहार मना रहे हैं और होली आने से पहले ही उन्होंने होली की तैयारी कर ली थी। आज होली का दिन है इसलिए वो होली मनाने जा रहे हैं, यानी होली खेलने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज कौन सा दिन था, आज कौन सा दिन है, आज होली का दिन है। तो आप लिखेंगे, आप कौन सा की जगह लिखेंगे होली का दिन था। आज कौन सा दिन था, आज होली का दिन था, क्योंकि प्रश्न में था लिखा है इसलिए आप भी था ही लिखेंगे। कौन सा दिन था, होली का दिन था, कौन की जगह आप होली लिखेंगे, दिन था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कौन कौन होली की तैयारी कर चुके थे, कौन कौन होली की तैयारी कर चुके थे। आप सभी ने पाठ पढ़ा है, शुरू में कुछ नाम दिए गए हैं, उन नाम के आधार पर बच्चों आप उन नामों को लेकर के यहाँ पे आप लिखोगे कि कौन कौन थे जिन्होंने होली खेली थी या तैयारी की, अभी खेलने की बात नहीं, तैयारी करी थी। तो यहाँ पे लोमड़ी, पहले अनुच्छेद में जो नाम दिए गए हैं उसमें उन पशु पक्षियों के नाम है जिन्होंने तैयारी की थी। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी, पहली ही पंक्ति में आपके उत्तर है, आपके बुक की पहली पंक्ति में ही उत्तर है। किसने किसने तैयारी या फिर कौन कौन तैयारी कर चुका था, तो कौन कौन की जगह पे आप लिखेंगे लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी, इन सब ने होली की तैयारी कर चुकी थी। तो आप अपने प्रश्न में लिखेंगे कौन कौन की जगह आप लिखेंगे लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी, और उसके बाद आप लिखेंगे ने होली की तैयारी कर चुकी थी, सब ने होली की तैयारी कर चुकी थी, लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी, सब ने होली की तैयारी कर चुकी थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भालू ने क्या बजाना शुरू किया। आप सभी ने पढ़ा, पहले अनुच्छेद में पढ़ा कि जब सब लोग टोली बना करके होली खेलने निकले जिसमें भालू के हाथ में ढोल था और उसने ढोल बजाया। तो आप यहाँ लिखेंगे भालू ने क्या बजाना शुरू किया, जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखेंगे। तो आप लिखेंगे भालू ने क्या की जगह ढोल लिखेंगे और पूरा प्रश्न वैसे ही लिखेंगे, आखिर में पूर्ण विराम लगाएंगे। तो भालू ने ढोल बजाना शुरू किया, भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। उसके बाद पिचकारी किसने और किस पर चलाई, पिचकारी किसने और किस पर चलाई। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि एक वाक्य में हमारा उत्तर पूरा हो जाए। आप सभी जानते हो बच्चों कि जो पिचकारी है वह हाथी ने चलाई थी और किस पर चलाई थी, लोमड़ी पर चलाई थी। पिचकारी हाथी ने लोमड़ी पर चलाई थी, पिचकारी हाथी ने पिचकारी लोमड़ी पर चलाई थी, हाथी ने पिचकारी लोमड़ी पर चलाई थी। तो आप यह उत्तर लिखेंगे। उसके बाद भालू ने क्या किया, भालू ने क्या किया बच्चों, भालू ने भी, भालू ने तो बाल्टी भर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। हाथी ने तो पिचकारी चलाई थी लेकिन भालू ने तो बाल्टी भर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। और उसके बाद छठा प्रश्न है, फूल किसने डाले, फूल किसने डाले, मतलब फूलों वाली होली किसने खेली थी। तो
बच्चों आप देख सकते हैं अपने तीसरे अनुच्छेद में, तीसरे अनुच्छेद में है तोते कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाले। तो इन लोगों ने कौन सी होली खेली थी? तोते और कोयल और चकोर ने कौन सी होली खेली थी? तोते कोयल और चकोर ने फूल वाली होली खेली थी। तो हम यहाँ लिखेंगे तोते कोयल और चकोर ने एक दूसरे पर फूल डाला था, इसलिए हम लिखेंगे तोते कोयल और चकोर ने फूल वाली होली खेली थी। अब यहाँ पे प्रश्न है फूल किसने डाले, तो हम लिखेंगे फूल तोते चकोर और कोयल ने डाले। तो हम प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न में है फूल किसने डाले, फूल तोते चकोर और कोयल ने डाले। आखिरी प्रश्न है हिरण और लोमड़ी क्या लाए। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है, उस दिन हम रंगों से खेलते हैं, ये बुराई पे अच्छाई के विजय का त्यौहार होता है। इसमें भी बुराई हार गई थी और सच्चाई जीत गई थी। होलिका बुराई का प्रतीक थी, वह जल गई थी और जो आपका प्रहलाद है वह सच्चाई का प्रतीक था, वह जीत गया था। तो इसको भी हम बुराई पे अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। तो इस दिन हम ना सिर्फ रंगों से खेलते हैं बल्कि मिठाई और पकवान भी खाते हैं। तो यहाँ पे होली तो हमने खेली, तरह तरह की होली खेली, अबीर से खेला, पिचकारी से खेला और फूल से खेला, लेकिन बचा क्या था, रह गया था खाना पीना। तो यहाँ पे आखिर में लोमड़ी और हिरण और कौन था, आखिर में हिरण और लोमड़ी दोनों गए और समोसे और मिठाई लाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिरण और लोमड़ी समोसा मिठाई और समोसे लाए। हिरण और लोमड़ी क्या लाए, हिरण और लोमड़ी मिठाई और समोसे लाए। तो इस तरह से बच्चों हमने जो भी कल किया था उसे दोहरा लिया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को सारे प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कुछ भी पूछना है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आज बच्चों हम करेंगे अपनी बुक का अभ्यास, ठीक है। अब आप खोलिए पेज नंबर 56, अपने बुक का पृष्ठ संख्या 56 खोलिए। अब जो बच्चों यहाँ पे अभ्यास है, इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें बुक में ही करना है। तो प्रश्न उत्तर तो हमने क्लास को कॉपी में करी थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं आपके किताब में पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं उसे हम बुक में ही करेंगे, आप उसे कॉपी में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहला अभ्यास है बच्चों, आप देख सकते हो वाक्य पढ़ो, सही वाक्य के सामने वाले घेरे में हरा रंग और गलत वाक्य के सामने वाले घेरे में लाल रंग भरो। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमें पढ़ना है, समझना है और बताना है कि वह सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके सामने वाले कोने में हरा रंग डालेंगे यानी भरेंगे, और अगर गलत है तो उसके सामने वाले कोने में हम लाल रंग डालेंगे। तो हमेशा हरा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बच्चों, हरा का प्रयोग हम सही चीज़ के लिए करते हैं, यानी कि हम पॉजिटिव चीज़ के लिए करते हैं, लाल का हम अक्सर गलत चीज़ों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सही वाक्य के सामने लाल रंग भरना है और गलत वाक्य के सामने आपको हरा रंग भरना है। तो मेरे पास लाल और हरा रंग नहीं है इसलिए मैं लाल लिखूंगी और हरा लिखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है वाक्य पढ़ो, वाक्य को हमें पढ़ना है, वाक्य व आक्य, वाक्य व आधा क और य, वाक्य ढ़ पर ओ की मात्रा रो, पढ़ो वाक्य पढ़ो और वाक्य पढ़ो, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य है सही वाक्य, स भ पे बड़ी की मात्रा, वाक्य व पर आ की मात्रा, आधा क और य, वाक्य के सामने क पर ए की मात्रा, स पर आ की मात्रा, सा म न पर ए की मात्रा, ने वाक्य के सामने वाले व पर आ की मात्रा, वा और ल पर एक की मात्रा, ले सामने वाले घेरे, घेरा यानी गोल, अभी मैं आपको दिखाती हूँ घेरा, घेरे में हरा रंग, सही वाक्य के घेरे में हरा, ह र पर आ की मात्रा, हरा रंग, हरा रंग और गलत और ग ल त गलत और गलत वाक्य के सामने क पर एक ही मात्रा, के सा म न पर एक ही मात्रा, ने सामने वाला
व पे आ की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, वाले घेरे में ल पे ए की मात्रा, घ पे ए की मात्रा और रे घेरे, म पे ए की मात्रा, मे घेरे मे, लाल ल पर आ की मात्रा और ल लाल, रंग रंग, भरो भ र पे ओ की मात्रा, रो भरो। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि अगर जो भी वाक्य दिए गए हैं उनको हमें पढ़ना है, अगर वाक्य सही है तो उसके सामने हम हरा रंग, उसके सामने गोला जो बना उसमें हरा रंग डालेंगे और अगर गलत है तो उसके सामने वाले गोले में हम लाल रंग डालेंगे। तो पहला वाक्य है, पहला वाक्य आप देख सकते हो बच्चों, भालू ने ढोल बजाया, पाठ आप सभी ने पढ़ा है और यहाँ पे जो भी वाक्य दिए हैं आपको पता होगा कि सही है या गलत है। सही और गलत के आधार पे हमें बताना है, अगर वह वाक्य से संबंधित है, जो घटना वाक्य में घटी थी उससे संबंधित है तब तो हम उसे सही बोलेंगे, और ऐसी कोई बात है जो पाठ में नहीं हुई तो वो वाक्य गलत है। तो यहाँ पे हमें गलत और सही बताना है। तो बच्चों पहला वाक्य, भालू ने ढोल बजाया। भा, भ पर आ की मात्रा भा, ल पे बड़े की मात्रा लू, न पर ए की मात्रा ने, ढ ओ ल ढोल, ब ज पे आ की मात्रा जा, य पे आ की मात्रा या, भालू ने ढोल बजाया। भालू ने क्या किया, ढोल बजाया। तो यहाँ पे जो गोल है बच्चों, अब यह वाक्य सही है कि गलत है, यह वाक्य सही है कि गलत है, यह वाक्य सही है क्योंकि पाठ में वाकई भालू ने ढोल बजाया था, इसलिए यह वाक्य सही है। इसमें हम हरा रंग करेंगे, मेरे पास रंग नहीं है इसलिए हम यहाँ पे हरा लिखेंगे, तो यहाँ पे हम हरा रंग करेंगे। भालू ने ढोल बजाया वाक्य सही है इसलिए हम यहाँ पे हरा रंग करेंगे। उसके बाद ख में हमारे पास है, ख ख में हमारे पास है, लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। ल पे ओ की मात्रा, म ड पे बड़ी की मात्रा लोमड़ी, न पर ए की मात्रा ने, प पे छोटी की मात्रा पिचकारी, पिचकारी लोमड़ी ने पिचकारी, च ल पर आ की मात्रा ला ई लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। ये गोला थोड़ा छोटा बना देते हैं, लोमड़ी ने पिचकारी चलाई। अब बच्चों किसने पिचकारी चलाई थी, पाठ में पिचकारी किसने चलाई थी, लोमड़ी ने चलाई थी, नहीं लोमड़ी ने नहीं चलाई थी बल्कि पिचकारी हाथी ने चलाई थी, इसलिए ये गलत है। लोमड़ी की जगह हाथी होना चाहिए था, लोमड़ी है इसलिए वाक्य गलत है। और हम यहाँ लिखेंगे लाल रंग, हम यहाँ लाल रंग करेंगे, तो रंग है लाल, तो लोमड़ी ने पिचकारी चलाई, तो यहाँ पे लोमड़ी नहीं होना था बल्कि यहाँ पे हाथी होना था, इसलिए हम इसमें लाल रंग, यह वाक्य गलत है इसलिए हम यहाँ पे लाल रंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ग, ग ग में बच्चों हमारा वाक्य है, खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला। ख र ग पे ओ की मात्रा गोश, खरगोश ने भ पे आ की मात्रा भा लू, ल पे बड़े की मात्रा लू, पर हरा ह रा हरा रंग हरा 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 पानी डाला, रंग नहीं पानी, प पे आ की मात्रा न पे बड़ी की मात्रा पानी डाला। अब भालू ने कौन सा रंग डाला था, खरगोश ने भालू पर हरा रंग डाला, खरगोश ने भालू पर हरा रंग डाला, ह र पर आ की मात्रा रा हरा रंग डाला। अब बच्चों जो खरगोश है, खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला, क्या खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला था, बिल्कुल नहीं, किसने हरा पानी डाला था, भालू ने खरगोश पर डाला था, तो यह भी गलत है, खरगोश ने नहीं डाला था बल्कि भालू ने डाला था, तो ये भी सही गलत है। यहाँ पे हरा रंग नहीं हम लाल रंग करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे लाल क्योंकि यह वाक्य भी गलत है, तो यहाँ पे कौन सा रंग हम भरेंगे, लाल रंग भरेंगे क्योंकि खरगोश ने भालू पर नहीं बल्कि भालू ने खरगोश पर हरा रंग डाला था, तो यहाँ पे हम लाल रंग भरेंगे। उसके बाद है घ, घ है, घ में आप देख सकते हैं बच्चों, घ में हमारे पास है मोर नाचने लगा। मोर म पे ओ की मात्रा मोर, मोर न पे आ की मात्रा नाच, न पे ए की मात्रा
नाचने लगा। ल ग पर आ की मात्रा गा, नाचने लगा। तो क्या यह वाक्य सही है? यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि मोर ने शेरू को ढूंढ निकाला था। शेरू कौन था? शेरू था, शेरू शेर को कहा गया यहाँ पे। और शेरू शायद रंगों से डरता था, वह रंग नहीं लगवाना चाहता था, वह छुप कर बैठा था। तो मोर ने क्या किया, शेरू को ढूंढ निकाला। और जब वह ढूंढ कर शेरू को लाया तो सबने उसको खूब रंग लगाया, यह देखकर मोर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों आप सभी जानते हो मोर कब नाचता है? मोर नाचता है जब वो बहुत खुश होता है, जब उसने शेरू को ढूंढ निकाला और शेरू को पकड़ के सबने खूब रंग डाला। आपने देखा होगा जब भी आप होली में रंग खेलते हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रंग नहीं लगवाना चाहते, वह इधर उधर छुपते फिरते रहते हैं, और छुपने फिरने वालों को तो और भी लोग पकड़ करके रंग लगाते हैं। तो शेरू भी वैसा ही था, वह छुप कर बैठा था, वो रंग नहीं लगवाना चाहता था। इसलिए मोर ने उसे ढूंढ करके निकाला, ढूंढ कर निकालने के बाद सबने उस पर खूब रंग लगाया, यह देखकर मोर खूब खुश हो गया और नाचने लगा। मोर तभी नाचता है जब वो बहुत खुश होता है। अक्सर मोर बारिश के टाइम नाचता है, क्योंकि बारिश होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है और वह नाचने लगता है। तो यहाँ पे भी जब शेरू को खूब लोगों ने रंग लगाया तो वह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया, वह खुशी के मारे नाचने लगा। तो यह वाक्य भी सही है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ल पे आ की मात्रा ला, ल लाल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है घ, के बाद हमारे पास है ड। अब बच्चों द में हमारे पास है, आप वैसे यहाँ पे ड में लिखेंगे स ब, सब, स ब सब, दोपहर, ग पे ओ की मात्रा, प ह र, दोपहर, सब दोपहर तक, त और क तक, होली, आप ओ की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, होली, सब दोपहर तक होली खेले, ख पर ए की मात्रा खेल, ल पर ए की मात्रा ले, सब दोपहर तक होली खेले। आप चाहें तो नंबरिंग बदल सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 करके नंबर दिया हुआ है, चलिए बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ग्रुप में आपके 1 2 दिया है इसलिए मैंने कखा गगा बदल दिया, 3 4 और 5। पांचवे में हमारे पास है सब दोपहर तक होली खेले। तो यहाँ पे यह सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठ में हमने पढ़ा था, आखिरी अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि सब दोपहर तक होली खेलते रहे। आखिरी अनुच्छेद के आखिरी पंक्ति में यह उत्तर है कि सब दोपहर तक होली खेले। तो यहाँ पे हम लाल रंग डालेंगे, यहाँ पे हम हरा रंग डालेंगे, सॉरी यहाँ पे भी हरा रंग होगा बच्चों, हरा हरा, और यहाँ पे भी हरा, ह और रा हरा। तो आप एक बार फिर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वाक्य सही है उसमें हमें हरा रंग भरना है और जो वाक्य गलत है उसमें हमें लाल रंग भरना है। तो पहला वाक्य है भालू ने, यहाँ पे ढ है, ढ से ढक्कन वाला ढोल, ढ से ढक्कन वाला ढोल, भालू ने ढोल बजाया, भालू ने ढोल बजाया। अब बच्चों आपने देखा कि पाठ में भालू ने सही में ढोल बजाया था, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा रंग भरना है, हमने यहाँ पे हरा रंग भरा है, क्योंकि पहला जो वाक्य है वह सही है, पाठ में भालू ने ढोल बजाया था इसलिए हमने यहाँ पे हरा रंग भरा है। पाठ में भालू ने हरा रंग ढोल बजाया था इसलिए हमने हरा रंग भरा है, यह वाक्य गलत है। यह वाक्य सही है इसलिए हमने यहाँ पे हरा रंग डाला है। तो भालू ने ढोल बजाया, यह वाक्य सही है इसलिए हमने यहाँ पे हरा रंग भरा है। उसके बाद लोमड़ी ने पिचकारी चलाई, आप सभी जानते हो कि लोमड़ी ने पिचकारी नहीं चलाई थी, किसने पिचकारी चलाई थी, पिचकारी हाथी ने चलाई थी, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये रॉन्ग है इसलिए हम इसको लाल रंग से रंगेंगे। ये जो आपका गोला है इसे हम लाल रंग से रंगेंगे। खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला, तो बच्चों क्या यह वाक्य सही है, खरगोश ने हरा पानी डाला था? बिल्कुल नहीं, यह वाक्य गलत है। हरा पानी किसने डाला था? हरा पानी भालू ने खरगोश पर डाला था, यानी जो लिखा है उसका उल्टा, इसलिए यहाँ पे हम लाल रंग भरेंगे। उसके बाद मोर नाचने लगा, यह भी सही है क्योंकि मोर ने शेरू को ढूंढा था और शेरू को ढूंढ कर निकाला और सबने उसे खूब रंग उस पर खूब रंग लगाया, यह देखकर मोर खुश हो गया और वह खुशी से नाचने लगा, तो इसलिए यहाँ पे हम
हरा रंग भरेंगे। सब दोपहर तक होली खेले, सबने दोपहर तक क्या खेला, होली खेला। यह वाक्य सही है। आखिरी अनुच्छेद की आखिरी लाइन में यह उत्तर है, इसलिए हमने यहाँ पे हरा रंग डाला। तो बच्चों सिर्फ दो वाक्य गलत हैं, दूसरा और तीसरा, बाकी सभी वाक्य सही हैं। इसलिए दूसरे तीसरे में हम लाल रंग भरेंगे और बाकी सभी में हम हरा रंग भरेंगे। तो चलिए इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको लिख करके उनको पढ़ना है और समझना है। तो ये आप सभी ने कर लिया होगा। हमारा आज का आखिरी अभ्यास है, अगला अभ्यास जो है पहचानो, पहचान करके पहचानो और बोलकर पढ़ो। अब बच्चों आप पहले तो अपने बुक में देखिए, आप अपने बुक में पृष्ठ संख्या 56 में देखिए, यहाँ पे हमारे पास है ड और ड, ढ और ढ। हम इन दोनों शब्दों को पहले भी पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। इन दोनों को हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ड और ढ। ड को हमने पिछले पाठ में खेत ही खेत में पढ़ा और समझा था, और ढ और ढक्कन वाले ढ और अढ को हमने इस पाठ को पढ़ने के अंत में यहाँ पे दिया गया था, वहाँ पर भी पढ़ा और समझा था। मतलब पिछले दोनों पाठ में एक ही मात्रा में भी हमने पढ़ा था खेत ही खेत में, फिर बैल गाड़ी की सैर में भी हम इन दोनों शब्दों को देख चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर इनको पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पहचानो, प ह च पर आ की मात्रा, न पर ओ की मात्रा, पहचानो पहचानो और बोलकर, और ब पे ओ की मात्रा, बोल बोल कर, बोल कर पढ़ो, प ढ पे ओ की मात्रा, पढ़ो, पहचानो और बोलकर पढ़ो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ये है, फिर है, फिर ये है और फिर ये है। अब बच्चों आप देख सकते हो हमने एक ही वर्ण को दो बार लिखा है, दो बार नहीं लिखा है, इसमें फर्क है। फर्क क्या है, बिंदी का। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये है ड और ये है अड़, ड ड और अ, ड ड और अ की ध्वनि अलग अलग है। तो जो बिंदी बिना बिंदी वाला है, ड से डमरू होता है, ड से डाली होती है, ड से डलिया होती है। तो ये ड है, इसके ड के बाद में अ की ध्वनि है, लेकिन बोलेंगे तो पहले अ की ध्वनि है, उसके बाद ड की ध्वनि है। तो बच्चों दोनों को लिखने का तरीका एक होता है, लेकिन बोलने का तरीका अलग होता है। लेकिन लिखने में भी दोनों में को एक जैसे हम नहीं लिखते हैं, जब दोनों को लिखते हैं तो एक बिंदी लगा करके दोनों में फर्क बताते हैं। जैसे कि जब हम ड लिखते हैं तो उसमें कोई बिंदी नहीं लगती, लेकिन जब हम अड़ लिखते हैं तो उसमें हम या तो अड़ के नीचे बिंदी लगाते हैं या इसके सामने बिंदी लगाते हैं। हम दोनों में से किसी भी जगह पे बिंदी लगा करके दोनों, इन दोनों के लिखने में अंतर सिर्फ एक बिंदी का है। बोलने में अंतर, एक में पहले अ की ध्वनि है, दूसरे में बाद में अ की ध्वनि है। तो ड ड से हम शब्द बनाते हैं और अड़ से कुछ नहीं होता, यानी अड़ माने कुछ नहीं, अड़ से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन अड़ का प्रयोग हम बीच में या आखिर में करके शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले शब्द लिखते हैं, ड से कौन कौन से शब्द बनेंगे, डाल डाली, डाल डाल, पहले आपके बुक के शब्दों पे देखते हैं, डाली ल पे बड़ी की मात्रा, ली डाल डाली, डोली ड पे ओ की मात्रा, दो ल पे बड़ी की मात्रा, ली डोली, ड म र पे बड़े की मात्रा, रू डाल डाली डोली डमरू। उसके बाद हमारे पास है डलिया, ड ल पे छोटी की मात्रा, ली और या डलिया। तो यह कुछ शब्द हैं जो हमने ड से बनाए हैं, यह कुछ शब्द हैं जिन्हें हमने ड से बनाए हैं। तो ड ड एक व्यंजन है जिससे शब्द बनते हैं, यानी जिसके प्रयोग से हम शब्द बनाते हैं, यानी जिसको सबसे आगे रख करके हम शब्द बनाते हैं। तो ड से डाली, ड से डाल, ड से डाली, ड से डोली, डमरू डलिया। एक बार फिर पढ़ते हैं, ड से डाल, ड से डाली, ड से तो बच्चों ड डाल डाली डोली डमरू डलिया,
द से बना डाल, डाली, डोली, डमरू, डलिया, मतलब द से शब्द बनेंगे। लेकिन अड़, अड़ जिसमें हम बिंदी लगाते हैं उससे कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन हम इसका प्रयोग किसी शब्द के बीच में या आखिर में करके शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना अड़, अड़ में हमारे पास है अड़, अड़ है ये। अब अड़ से हम बनाएंगे ल, ड़, का। चलो हम पहले बुक में दिए गए शब्दों को बनाते लिखते हैं। पेड़, पेड़, एक हो गया पेड़। उसके बाद बुक में दिया है भेड़, भ, भ पे एक ही मात्रा, ड़, भेड़। उसके बाद है मेड़, म, म पे एक ही मात्रा और ड़, मेड़। उसके बाद है ल, ड़ और क पे आ की मात्रा, का, लड़का। और फिर है स, ड़, क, सड़क। अब यहाँ पे है पेड़, भेड़, मेड़, लड़का, सड़क। पेड़, भेड़, मेड़, लड़का, सड़क। इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द है जो ल से है, लेकिन ल किसी भी शब्द के पहले नहीं है, पहला वर्ण नहीं ल है, वह बीच में आप देख सकते हैं, ये दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, यानी आखिरी, या दूसरा कह सकते हैं आखिरी वर्ण है, बीच में है, बीच में है, लेकिन पहले कहीं भी हमने अड़ का प्रयोग नहीं किया, तो ड़ से कोई भी शब्द नहीं बनता। उसी तरह से बच्चों ढ से ढकना, ढ से ढकना, ढ और अढ में वही फर्क है जो ड और अड़ में फर्क है। ढ, ढ आप देख सकते हो, ढ से हम शब्द बना सकते हैं, ढ से ढोल हो गया, ढ से ढकना हो गया, ढ से ढोलक हो गया, लेकिन अड़ से कोई शब्द नहीं, अढ़ से कोई शब्द नहीं बनता, इसका प्रयोग हम बीच या आखिर में करके शब्द बनाते हैं। तो चलिए इससे बनने वाले शब्दों को देखते हैं। आपके जो बुक में दिया है इसमें है ढाल, ढेला, ढ पे आ की मात्रा ढाल, ढ पे ए की मात्रा ढे, ल पर आ की मात्रा ला, ढेला बुक में दिया है। उसके बाद बुक में है ढोल, ढोर, ढोल, ढोल, उसके बाद है ढोर, ढोल, ढोर, और उसके बाद है ढोलक, ढो भवे को की मात्रा, ढो ल क, ढोलक। तो यह कुछ शब्द है जो ढ से बने, ढ। अब उसी तरह से ढ पे कोई बिंदी नहीं होती, लेकिन अढ पे बिंदी होती है, और ढ पढ़ते हैं तो ढ प्लस अ आता है, और अढ पढ़ते हैं तो अ प्लस ढ आता है, तो ध्वनि यानी उच्चारण में भी फर्क है। अब यहाँ पे अढ से कोई शब्द नहीं बनता, तो हम अढ को बीच में या आखिर में इसका प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे, जैसे कि है का, अढ़ा, काढ़ा, बिंदी, ढ के नीचे बिंदी होती है। उसके बाद गा, ग पे आ की मात्रा, गा, अढ़ा, गाढ़ा, ये हो गया गाढ़ा। उसके बाद है प, पढ़ाई, पढ़ाई, ये पढ़ाई हो गई। और उसके बाद है च, ढाई, चढ़ाई, चढ़ाई, उसके बाद है क, ढाई। अब बच्चों आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये शब्द है, इन सभी शब्दों में, इन सभी शब्दों में हमने अढ़ा का प्रयोग शुरू में नहीं किया, बल्कि दूसरा शब्द है बीच में किया है, या आखिर में भी बहुत कम होता है, अढ़ का प्रयोग होता है, ढ का बहुत कम होता है, तो आखिर में भी बहुत कम होता है। तो इन जो अढ़ है, अढ़ का प्रयोग हम बीच में या आखिर में करते हैं उससे कोई शब्द नहीं बनता, उसी तरह अढ़ का भी प्रयोग हम बीच या आखिर में करते हैं उनसे कोई शब्द नहीं बनता। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ड और अड़ में बिंदी का फर्क है, उच्चारण का फर्क है, ड को हम ड के बाद अ की ध्वनि आती है, और अड़ बोलते हैं तो अ और ड की ध्वनि आती है, पहले अ की ध्वनि फिर अड़ की ध्वनि। उसी तरह ढ में है ढ, ढ में आखिर में अ की ध्वनि है, अड़ में, अढ़ में पहले अ की ध्वनि बाद में ढ की ध्वनि। और जो ड है उससे शब्द बनेगा डाल, डाली, डोली, डमरू, डलिया, और अड़ से कोई शब्द नहीं बनता, यह शब्द के बीच में या आखिर में आकर के शब्द बनाता है, जैसे पेड़, भेड़, मेड़, लड़का, सड़क। उसी तरह अढ़, ढ से शब्द बनता है ढाल, ढेला, ढोल, ढोर, ढोलक,
पढ़ काढ़ा गाढ़ा पढ़ाई चढ़ाई कढ़ाई। इससे कोई शब्द नहीं बनता लेकिन हम बीच में आखिर में इसका प्रयोग करके शब्द बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जो भी हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफर कॉपी का आज हमने कोई भी काम नहीं किया है, हमने दोहराया है, उसके बाद बुक में दिए गए अभ्यास को ही पढ़ा और समझा है। तो यहाँ पे आज का कोई भी अभ्यास हमें ट्रांसफर कॉपी में नहीं करना है। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन